नमो बुद्धाय। उन तथागत भगवान बुद्ध को मेरा वंदना तथा मेरे गुरु जी को मेरा वंदना। आप अपने जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं वही हम बताने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सोचते हैं लोग कि सिर्फ खुशी के लिए, सिर्फ मजा के लिए और मस्ती के लिए सोचते हैं, सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। वही उसका सोच है सामान्य दुनिया। दुनिया वाले सोचते हैं कि किसी भी तरह से अच्छा रूप देखना है, किसी भी तरह से अच्छा आवाज़ सुनना है, इसके लिए अच्छा आवाज़ सुनता है, फिल्म देखता है, गाना सुनता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा सेंट लगाता है, सुगंध लेता है, अच्छा शरीर का स्पर्श लेता है, अच्छा विचारों में गुम हो जाता है, आदि रूप शब्द गंध रस स्पर्श ये पंच काम सुख भोगता है। ये छह इंद्रिया को खुश करने के लिए वो क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, उससे उसका उसको मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को बारे में, सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग, अच्छा बुरा का कोई मतलब नहीं है, पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं, सिर्फ चाहिए तो उसे खुशी किसी भी कारण। तो खुशी के चलते वो क्या करता है आजकल दुनिया, उस खुशी के लिए पांच छह इंद्रियों को खुश करने के लिए और तथा ये पांच काम भोग को भोगने के लिए परिवार परिवार लड़ते हैं, उसको मजा के लिए, मजा मतलब नहीं मिलने के कारण देश देश लड़ते हैं, घर घर लड़ते हैं, दोस्त दोस्त लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़ा पाप करते हैं, हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा ये सब करते हैं जो लोग मतलब एक सुख भोगने जाते हैं, जाते हैं मतलब उससे किसी भी तरह से खुशी चाहिए वैसे लोग। बहुत सारे लोग ये सब का करने जाकर कई जीवन में कई पाप कर लेते हैं, कई पाप कर लेते हैं, इतना पाप कर लेते हैं जैसे प्रियमनाप रूप, प्रियमनाप शब्द गंध रस स्पर्श ये सब को खुश करने के लिए मतलब ये सब पाने के लिए मजा लेने के लिए बहुत कोशिश करता है। उसके लिए उसे हत्या करना पड़ गया तो करता है, चोरी व्यभिचार झूठ नशा सब करता है। मतलब ये पांच काम सुख है, उसे भोगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करके नहीं बोल रहे हैं, भोगना चाहिए। जैसे में एक अच्छा लोग घर बनाते हैं और गाड़ी बंगला आदि खरीदते हैं, ये पांच काम सुख है, लेकिन उससे लोग पाप भी करते हैं कभी कभी। जैसे कोई फोन लेकर, वो सुख है लेकिन फोन से कितना गंदा वीडियो देखता है, कितना गंदा वीडियो देखकर गाली गलौज करके पाप करता है, मतलब वो सुख भोगने जाकर पाप करता है, सुख भोगने जाकर पाप करता है। ये पांच काम का खतरा भी भगवान बोलते हैं पाली में, ये पांच काम का सुख को आस्वाद, इसका दोष को बताएं, पांच काम दोष है वो क्या है, हड्डी जैसा है, हड्डी को कुत्ता को देने के बाद खाने के बाद वो कुत्ता हड्डी चाट चाट के रहता है, उसका पेट नहीं भरता है, वैसा ही पांच काम सुख भोगने से भोग जितना भोगेंगे उसका लिमिट नहीं दिखेगा, अब बस करके नहीं लगेगा, पेट नहीं भरेगा। सपना जैसा है मतलब सिर्फ याद के लिए ही रहेगा, ये ऐसे मजा लिए ऐसे किए, कुछ नहीं बचा बचेगा, कुछ समय के लिए है। इसीलिए उसका दोष देखते हुए उस पांच काम को भोगने के लिए पाप नहीं करना चाहिए, अकुशल नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे उपासक उपासिका थे, अनाथ पिंडिक सेठ सुमना सुजाता विशाखा, वो सारे लोग पांच काम भोगी थे, पांच काम भोगते थे सुख को, लेकिन उसको भोगने के लिए पाप नहीं करते थे, अकुशल नहीं करते थे। आध्यात्मिक जीवन के लिए सोचना चाहिए, आप पीछे अपना देखिए, अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपना धर्म के लिए क्या किए, कुछ किए तो खुश होते हो सकते हैं, कुछ नहीं किए तो दुख हो सकते हैं। इसलिए आज से आप सभी लोग भगवान बुद्ध के रास्ता पे अपने जीवन को सुंदर बनाइए, उस पे आकर ये आइए, ये माया अंधकार को दूर कर ज्ञान की रोशनी की रास्ता पे जाने के लिए बुद्ध रश्मि से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, इस रास्ता पे
इस बुद्ध रश्मि में तथा इस बुद्ध भगवान बुद्ध के रास्ता पे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं है, सुंदर कुरूप का भेदभाव नहीं है। ये जो सत्पुरुष है, जो धर्म सुनना चाहते हैं, सभी के लिए रास्ता खुला है। इसलिए आप सभी लोग को ये नया साल में ये पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताने के लिए आपको भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं, तथा इस पंच काम के भोग के लिए कभी भी आप पाप मत कीजिए, पुण्य कीजिए, आपका जीवन कल्याण होगा, सुखी होगा। नमो बुद्धाय।